कौन कहता है असफल कप्तान है विराट कोहली? क्या सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी जीतना ही सफलता का ट्रेडमार्क होता है? दोस्तों, कोहली आपके हिसाब से सफल कप्तान है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोहली के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज कुछ खास नहीं जा रहा है। हालांकि इस बीच वह एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। चर्चा उनके खेल से ही जुड़ा है, लेकिन इस बार बात उनकी कप्तानी को लेकर हो रही है। कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग की अपनी फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पॉडकास्ट में खुलकर अपनी बातों को रखा। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाने के कारण असफल कप्तान करार दे दिया गया। हालांकि मुद्दा यह है कि क्या किसी कप्तान के लिए सफलता के मायने सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी जीतना हो सकता है? सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, दुनिया भर में कई ऐसे कप्तान रहे हैं जो अपनी टीम को आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीता पाए, लेकिन इसके बावजूद उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। ऐसे में विराट कोहली को एक असफल कप्तान कहना कहां तक सही माना जा सकता है? भारत के लिए सिर्फ दो ही कप्तान आईसीसी विश्व कप का खिताब जीत पाए हैं, इसमें कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी का नाम है। लेकिन टीम इंडिया के लिए उनके अलावा भी कई कप्तान हुए हैं जिन्होंने भारत को आईसीसी की ट्रॉफी तो नहीं दिलाई, लेकिन उन्होंने टीम को देश और विदेश में जीतना सिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं, विराट की कप्तानी में टीम इंडिया तीन फॉर्मेट से नंबर एक पर रही है। विराट कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान में से एक हैं। कोहली अपने करियर में कुल 68 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के लिए कप्तानी की। इस दौरान भारत ने 40 मैचों में जीत हासिल की, वहीं टीम को सिर्फ 17 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 11 मैच ड्रॉ पर रहे हैं। विराट से अगर तुलना की जाए तो महेंद्र सिंह इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं। धोनी ने भारत के लिए 60 मैचों की कप्तानी की, जिसमें 27 में टीम को जीत मिली। वहीं सौरव गांगुली ने 49 मैचों में कप्तानी की और भारत को 21 मैचों में उन्होंने जीत दिलाई। इस तरह अगर कप्तानी की बात की जाए तो यहां कोहली सबसे आगे हैं। सिर्फ टीम को जीत दिलाने के मामले में ही नहीं, उन्होंने कप्तानी करते हुए जमकर रन भी बनाए हैं। कोहली दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने कप्तान के तौर पर टेस्ट में सबसे अधिक 7 बार 200 या इससे अधिक की पारी खेली है। इस मामले में ब्रायन लारा दूसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 5 बार ये कारनामा किया है।